बहुत सारा वक्त बाहर गुजारा है। जब मैं पाकिस्तान लौटा तो हालात ऐसे थे कि प्रॉब्लम्स दिन में शुरू होती थीं तो रात में भी रहती थीं, और रात में शुरू होती थीं तो वो दिन तक चलती थीं। मुझे याद है बचपन में शायरी का बहुत शौक़ था, तो इसलिए फैज़ साहब को बहुत पढ़ा। फैज़ साहब ने एक नज़्म कही थी, नज़्म क्या थी, एक छोटी सी कहानी थी। कहानी थी उनके जूते की, एक ऐसे जूते की कहानी जो अपने शहर से, अपने मुल्क से लेके आए थे। अपने वतन को मुखातिब करके उन्होंने ये कहा था, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, मेरे सर पे वो टोपी न रही जो तेरी जमी से लाया था, मेरे पाँव में वो जूते भी नहीं वाकिफ थे जो तेरी राहों से, मेरा आखिरी कुर्ता चाक हुआ तेरे शहर में जो सिलवाया था। और अब ये आलम है कि सुबह देखो तो एक लाश इधर गिर जाती है, शाम देखो तो एक लाश उधर गिर जाती है। मैं कराची से आया हूं तो मुझ पे कराची का लेबल लग जाता है, तुम लाहौर के हो तुम पे लाहौर का लेबल लगा दिया जाता है, कोई पेशावर का है तो उसे पेशावर का लेबल बना दिया जाता है। कोई तो सिरा होगा, कोई तो जमीन होगी, कोई तो जगह होगी जहां तुम नहीं, मैं नहीं, जहां तुम पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, कोई तो ऐसा दिन होगा। मुझे नहीं पता कि वो दिन होगा मेरी जिंदगी में होगा या नहीं, लेकिन इकबाल ने कहा था, सो मैं दोहरा देता हूं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इस चांद रात में आइए एक दुआ करते हैं, एक दुआ जो हम सब की मुश्तरका है, एक दुआ जो मेरी और तुम्हारी नहीं है, एक दुआ जो हमारी है। दुआ ये कि हम ऐसी सुबह, ऐसी रात, ऐसी शाम सबके साथ देखें, किसी का चेहरा उसके सूबे से, किसी का नाम उसके शहर से कभी ना पहचाना जाए, हमको किसी को ये बताने की जरूरत ना हो कि हम कौन हैं, बल्कि लोग हमसे कहें कि हाँ तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो। आप और मैं यकुम जुलाई से अगर नहीं की यूज जोंग सिम तो